बिलों से आके गल खत्म नहीं होनी, ये शुरुआत है इतों। जी 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 ये हजे बहुत कुछ थोड़े नाल धक्का होना। 26-27 किस नज़र ना देखते हैं आप, और 26-27 तो बाद हालात की लगता था? चाहे तो असी गांह बच जाएंगे तो जा फिर उतों असी खत्म हो जाएंगे। जे अडानी अबानी 1,000 करोड़ रुपया BJP नूं दिंदे आ तां 500 छोटियां पार्टियां नूं भी दिंदे आ। ओ भी एक कठपुतली की तरह काम कर रहे ने, उन्हां नूं जो मैटर लिख के दिता जांदा उहदे ते ही बोल सकदे, उदों अगाह नहीं जा सकदे। बाबा दीप सिंह वाली ते लकीर सिंह सूरमे टप गए सी क्योंकि उन्हां च जज्बा सी, हुण तां की लगदा जी छंबू वाली लकीर टप पाणगे कि दिल्ली वाली? ओह DNA हजे पंजाब दे विच हैगा। मानसा जिले के पिंड बणावाली दे विच किसान मजदूर एकता क्लब वालों जिहड़ा एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, ये समागम रोस रैली, ये रोस रैली सी उन्हां बिलां नूं लैके सरकार दे उन्हां फैसलां नूं लैके जो पंजाब दे किसी भी किसान नूं पसंद नहीं है, और पंजाब दे किसानां नूं इवें लग रहा है कि जिवें उन्हां दी जमीन हथियाउण दा, उन्हां नूं बेजमीने करन दा और आने वाले दिनों च गुलाम करन दी जिहड़ी रणनीति है वह हो रही है। सो उस दे विच ये जो अज दा प्रोग्राम सी इहदे च जिथे दीप सिद्धू, लखा सिंह सिधाणा ते होर भी नामर शख्सियतां ने हाज़री भरी है, और उहदे नाल ही भाई जबर सिंह जबर जंग सिंह मंगू मठ वाले, सो उन्होंने भी इतने अपने जिते विचार साझे किए, और नाल दी नाल असीं इहनां कोलों जाणांगे कि ये समागम के बीच जो उन्होंने महसूस किया वो की सीगा, और समागम का लाभ कुछ होया या नहीं होया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जी भाई जबर जंग जी, बेशक इतने जनता सारी बैठी सी, जिवें किसी लीडर दे नाल लोग आए होण जरूरी नहीं कि सारे वोटर होण सारे उन्हें वोट पाउण। जी जी अज इत्थे बैठे सी लोग, तुहानू की लगता सीगा कि कलाकारां नूं देखण आए सी कि जां तुहानू सुणन आए सी जां उन्हां नूं सुणन आए सी? नहीं, पहला तो मैं धन्यवाद करदा आपदे NRI TV का जिन्होंने इत्थे आके समां दित्ता इस चीज़ नूं कवर किया। असीं इह साडा इक नवेकला जिहा प्रोग्राम सीगा कि असीं इत्थे इक इहो जिहा मंच तैयार करना चाहुंदे सी कि इत्थे कोई भी बंदा आके अपने विचार रख सकदा। ये जिन्हें वीर आए सी आप अपने विचार रखण आए सी जां सुणन आए सी, तुसीं थोड़ा जिहा लेट आए हो, असीं सब नूं मौका दित्ता किसी नूं 2-4 मिंट, क्योंकि असीं कहा सी वी तुसीं जो भी तुहाडे मन दे विच विचार आ उह इत्थे रखो, क्योंकि अपना जिहड़ा पंजाब दा जां सिक्खी दा सिधांत आ उह विचार दा। सानूं इह सी कि अड्डो अड्ड जिहड़े अज दे टाइम चल रहे ना प्रोग्राम, उहनां दे विच कई थावां ते इह हुंदा कि इस आदमी नूं नहीं बोलण देना, जां आ पार्टी वाले नूं नहीं बोलण देना, जां इस जथेबंदी वाले नूं नहीं बोलण देना। साडा इह सी वी कोई भी जथेबंदी आ, कोई भी पार्टी आ, कोई भी बंदा जिहड़ा इत्थे आ के अपने विचार अपनी गल रख सकदा तां कि उस चीज़ ते विचार हो सके, क्योंकि असीं चाहुंदे आ कि जिहड़ा 26-27 तरीक दा जिहड़ा दिल्ली वाला संघर्ष आ ना, उस तों पहलां पंजाब दे विच इदां दी मूवमेंट होवे कि उहनूं हर इक बंदा किसी जथेबंदी नाल ना जोड़ के देखे, हर इक बंदा आपदी आप अपने अंदर मंथन करे कि इहदे विच मैनू जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। रोस रैली जां रोस मार्च अज दा जो सी ये जो समागम है, ये रोस दे विच रोस किहड़ा सी जिहदे करके तुहानू इन्हां सारिआं नूं बुलाणा पिआ, और उन्हां ने किहड़ा किहड़ा ऐसा रोस दस्सिआ जिस रोस दा जनता नूं नहीं सी पता? मेन तां किसानी यून जिहड़ा होया बिलां दा उहदे ते हो रिहा हैगा, पर साडा सी कि असीं उदों पिछोकड़ थोड़ा जिहा उहदा दिख गए कि अज जिहड़ा कुछ हो रिहा इहदा पिछोकड़ की आ, जां इहदा आउण वाला टाइम की आ, क्योंकि बिलां ते आ के गल खत्म नहीं होनी, इह शुरुआत आ इत्थों। जी 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 ये हजे बहुत कुछ तुहाडे नाल धक्का होना। असीं चाहुंदे सी कि जिन्ना क लोकां नूं पता उह सानूं दस्सण, जिन्ना क सानूं पता असीं लोकां नूं दस्सीए, ते अज इत्थे गल निकल के आई आ कि कल्ला MSP उह मुद्दा नहीं हैगा गा, मुद्दा इह आ कि जिवें पछमी बंगाल नूं हक आ कि बंगलादेश नाल उह आपदा पाणी समझौता कर सकदा, राजस्थान नूं हक आ कि उह आपदा ग्रेनाइट आपदा पत्थर किहनूं वेच सकदा, झारखंड नूं इह हक आ कि उहदा कोयला कित्थे जा सकदा, किहड़ी कंपनी नूं वेच सकदा, उह हक जिहड़े कानूनी हक दूजियां स्टेटां नूं मिले हुए आ उह सानूं वी मिलने चाहीदे आ, उह साडे हक की ने, किवें सानूं लैणे चाहीदे आ ते क्यों जरूरी ने, इह अज उह चीज़ां ते साडा दीप सिद्धू बोल रहे सी, और उन्हां ने बाबा दीप सिंह जी दी खंडे ना खिंची हुई उस लकीर का जिक्र किया, वो तो बाबा दीप सिंह ने खिंची सी, केंद्र सरकार ने भी 2 लकीर खिंचिया हुई ने जिन्हों अं बॉर्डर कहने, एक तो शंभू बॉर्डर है, एक बॉर्डर दिल्ली का बॉर्डर है। दीप सिद्धू कह रहे हैं कि सानू हुण वो लकीर टप्पनी पैनी है, बाबा दीप सिंह वाली तो लकीर सिंह सूरमे टप गए सी क्योंकि उन्हां च जज्बा सी, हुण तां की लगता जी शंभू वाली लकीर टप पाणगे कि दिल्ली वाली? नहीं, असल दे विच तुहानू थोड़ा जिहा इहदे ते भी विचार करना चाहीदा कि उदों भी जनसंख्या करोड़ां दे विच सी पंजाब दी,
तो उदों भी कुछ लोग ही टप्पे सी ते मैनू लगता कि हुण भी वह जज्बा हैगा वो डी एन ए हजे पंजाब दे विच हैगा वो जिहड़ा उन्हां दे अंदर जिहड़ी चीज़ आ गई वह लड़न वाली जां अपने संघर्ष वाली वो लोग हजे भी हुण उदों हज़ारां सी हुण लखां च हैगे नेगे पर इत्थे जिहड़ा कौड़ा सच है वह ये हैगा कि हर पिंड दे विच चार पार्टियां दे चार ग्रुप ने जां तां उहदे विच आम आदमी पार्टी नाल लोग जुड़े ने जां जुड़े ने बीजेपी नाल जां जुड़े ने कांग्रेस नाल ते जां जुड़े ने अकाली दल दे नाल इह दोहां नाल ते मेन कह दईए ना अकाली दल और कांग्रेस दे नाल तां ज़्यादातर लोग जुड़े हुए ने किसान जिहड़े ने उह तुहाडे नाल नहीं इन्ने जुड़े जिन्ने उहनां पार्टियां नाल जुड़े हुए ने ते जदों उहनां दे उपरों आर्डर आणगे जे तुहानूं असीं 25-26 नूं किते वेख लिया ते वेख लिओ फिर ये विच पता की चक्कर आ जी कि ठीक है लोग अकाली दल ना जुड़े आ कोई कांग्रेस ना जुड़े आ पर वो कादे लई जुड़े ने जदों रोटी रज के खांदे ने ते फिर वो अपनियां हक्कां दी जां अपने जबर जंग जी ये जो अस्तीफा मौके ते होया जो तोड़ विछोड़ा होया जो नौ नालों मास अड होया ये कोई चा नाल खुशी नाल नहीं होया नहीं मैं ये गल कर रहा कि जिहड़े लोग इन्हां नाल जुड़े आ ना वो सिर्फ अपने मुद्दियां नाल जुड़े आ पर जिद्दन उन्हां दी रोटी दे उत्ते गल आऊ ना उन्हां दी थाली दे विच्चों रोटी चक्कण दी गल आऊगी उद्दन वो कोई अकाली दल नहीं कोई कांग्रेसी नहीं कोई आम आदमी पार्टी नहीं उद्दन एक पंजाबी अपनी होंद लई लड़न लई हरेक अगे आऊगा जरूर आऊगा तुहाडे इस मोर्चे नूं किते ना तार पीड़ो करन वास्ते जां मोर्चे दे विच विघन पाउण वास्ते अज कोई राजनीतिक पार्टियां ने उंगल तां कीती है नहीं उन्हां दा कम उन्होंने करना क्योंकि जे अडानी अबानी 1000 करोड़ रुपया बीजेपी को देंगे तो 500 छोटियां पार्टियां भी देंगे 500 करोड़ दूजिया पार्टियां किसी 100 करोड़ किसी 200 करोड़ सारियां देंगे तो वह राजनीतिक पार्टियां जितों चंदा लेंदियां उसके खिलाफ कदे नहीं जाणगियां पर असी जी गल चला रहे हैं ये मुद्दा चला रहे हैं असी ये कर रहे हैं कि लोग इस चीज़ से अवेयर होन ते अपने आप तो सवाल पूछन कि अज वो अकाली आ कांग्रेसी आ कि पंजाबी पहला ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੱਲ 100 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਰਾਰੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਉਦੋਂ ਅਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੀ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਆ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਬਰਜੰਗ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ 26 ਤੇ 27 ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜੋ ਮਾਰਚ ਹੈ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 26-27 ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ 26-27 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦੇਣਗੇ ਕੋਈ ਝੜਪ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਝੜਪ ਕਿਤੇ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਕੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾਗਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪਿੰਡੋ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਗੇਂਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਚ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਵਿਫਲ ਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਫੇਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੱਜਣ ਕਿਹੜਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਉਦਣ ਅਗਰ ਲੋਕ ਹੋਏ
शरारती लोग भी तो कोई होंगे भी जो माहौल सही पासे जा रहा हो तो तुहाडा काम है यहोजा नारा मारना जां एदां रोड़ा चलाना जां डांग मारनी जां किसे पुलिस वाले दे हाथ पै जाना ये हो सकती है कुछ इदा नहीं बहुत कुछ बहुत एजेंसियां इस चीज़ को तार पिंडो करन ते लगियां होईयां क्योंकि उन्होंने जिहड़े आके ने वड्डियां इंडस्ट्रियल लोग ने जिहड़े इन्हां दे सरकारां नूं चला रहे ने वह बहुत कुछ करनगे पर गल उत्थे यही आ गई ना कि उन्हां दा काम इस चीज़ नूं खत्म करना ते साडा काम असी आपदा प्रोटेस्ट उते दर्ज करवाउणा ते इह चीज़ नूं वापस करवाउणा उह असी करके रहांगे 26-27 किस नज़र नाल देखदे आं आपां और 26-27 तों बाद दे हालात की लगदा तुहानूं मेरे हिसाब नाल तां हिंदुस्तान दे राजनीतिक समाजिक आर्थिक एक टर्निंग पॉइंट साबित होऊंगा चाहे तो असी गांह वध जांगे ते जां फिर उत्थों असी खत्म हो जांगे जी बिल्कुल 26-27 असी कहीए तां साडे फाइनल पेपर ने पंजाब दे अगर उस दिन तुसीं कोई जित वाले पासे नूं चलदे हो जां इह मोर्चा जित वाले पासे नूं चलदा है तां पंजाब दी इही आस लगाई जा सकदी कि भविख सुनहरी होएगा पर जेकर उस दिन दा भविख फेल उस दिन दी रणनीति कितें फेल हो गई कितें बदकिस्मती दे नाल कोई गद्दार विच वड़ के गद्दारी कर गया तां फिर आने वाले दिनों पंजाब दे हाथ छुंछना तो लगेगा पर आने वाली जिहड़ियां इन्हां आसा उम्मीदां इन्हां स्टेजां तों माइकां ते बोलदे पए ने लोग उन्हां ते पाणी फिरदा नज़र आऊगा आस हो सकती है पर मंशा जी है ना जो इन्हों की इच्छा है वो पूरी होने के चांसिस बहुत घट ने फिर धक्के दे नाल बल दे नाल जो कराना चाहती है सरकार वो हो भी सकता पर 26 और 27 तो बाद उस तो पहला कोई भी गल कह देनी वो अतकथनी होएगी वो बारे बोल को ऐसा बोल देना हो सकता कि 26 और 27 तो पहले पहले केंद्र सरकार ये जे किसानां दी पंजाब दी आवाज़ उन्होंने सुन लवे और इन्हां दे हक दे विच कोई फैसला सुना देवे अगर ना होया तो फिर जिस तरीके दे नाल पंजाब दे लोकां नूं पंजाब दे सूरमियां नूं बड़े बड़े जिहड़े अपने आप नूं महाराजे अखवाउंदे सी उन्हां नूं नत्थ पाउणी आउंदी है ते समें दीआं सरकारां जिहड़ीआं ने उन्हां दे नाल नजिठण दे लई लड़न दे लई हर तरह की तैयारी करके बैठे ने पंजाब दे हर एक वर्ग दे लोक और लड़ाई इस वेले जिहड़ी है आर और पार दी होगी सो बहुत बहुत शुक्रिया जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी धन्यवाद।